So, we'll start from girls first. What do you say, Prachi? Don't touch it. Get up and say. मैम, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट जब हम अपने जो सॉइल्स में ना हम अपने फर्टिलाइजर्स कंपोजिट वो सब हम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक काउडंग प्लांट्स वेस्ट फ्रूट वेस्ट इन सब से बनाते हैं और वो हमारी सॉइल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं जिससे हमारी सॉइल को हार्म नहीं होता प्लस हमारी जो सॉइल आगे कल्टिवेट के लिए बहुत अच्छी रहती है वो वेरी नाइस। HYV सीड से वो HYV सीड्स बुराइयां तो ये करेंगे ना। ओके शिवम मैम, जिस हिसाब से बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी टाइम लेता है, मतलब एक फसल को तैयार होने में काफी टाइम लेता है, और हमारी जो ये HYV सीड्स वगैरह जो होती है काफी जल्दी ग्रो होती है, और मतलब कंज्यूम करने में आसानी भी होती है लोगों को, मतलब खरीद सकते हैं उसे आसानी से, परचेज फसल करने में। सस्ती भी होती है वो। अच्छा ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फूड कल्टीवेट हो रहा है वो हेल्दी होता है और आजकल हेल्दी फूड की डिमांड है ज्यादा। बिल्कुल सही साफ। अच्छा हाँ जी बोलिए। पर मैम, हेल्थी फूड जो होता है वो बड़ा कॉस्टली हो रहा है आज के टाइम। किसान ये बात भी सही है। सस्ता नहीं गरीब मिलता। नहीं खरीद पाते, किसान खरीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। किसान या नॉर्मल पब्लिक? पब्लिक जो होते अच्छा हैं वो। पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर पब्लिक अफोर्ड कर भी लेगी उन सारी चीजों को जो उनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो फिर उससे भी तो सब बीमार पड़ेंगे। फिर डॉक्टर्स पे फीस जाएंगी। बात तो वही पड़ गई। वेरी नाइस गुड। अमन क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमारे मैम फूड निकलता है वो बहुत महंगा है, वो हर किसी के लिए मैम अफोर्ड लायक नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है मैम। जो अमीर बंदा है वही खरीद पाएगा, जैसे कहा डॉक्टर के पास मैम। अभी जो हम अभी वही सब खा रहे हैं, एच सीड से खाना ही खा रहे हैं, हमने कोई ऑर्गेनिक फार्म कितने बार बीमार पड़ते हैं, ज्यादा तो पड़ ही नहीं लेना। अच्छा आपको लगता है बीमार कम पड़ते हैं? चलो, अगर आप बीमार होने की बात कर रहे हो तो हम देखें कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गरीब है, ठीक है। अब राशन जो बटते हैं वो राशन में जो भी गेहूं वगैरह ग्रो करे गए थे वो HYV सीड्स के थ्रू ही करे गए थे, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते तो शायद इतनी जल्दी ग्रो ना कर पाते हम क्रॉप्स को, और इतनी जल्दी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस गवर्नमेंट ने संभाल लिया वो इतनी जल्दी वो आराम से ना संभाल पाते। अब विदाउट HYV सीड्स हम शायद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेल होते और काफी लोग भूख के मारे मर जाते, मतलब एटलीस्ट खाना तो और मिल रहा है। एटलीस्ट खाना भी है, और इतना भी खराब नहीं है हमारा HYV सीड्स का खाना कि लोग बस बीमार ही पड़ते जा रहे हैं। तो आप ये भी तो देखो कि HYV सीड से हमारी जो सॉइल है वो खराब हो रही है और फ्यूचर आने वाली फ्यूचर की जनरेशन जो है उनका कैसे लाइफ होगा? फिर उनकी लाइफ कैसी होगी? वो कैसे क्रॉप्स को ग्रो ग्रो करेंगे? करेंगे। कैसे करेंगे? आजकल काफी सारे ऐसे सप्लाइंसेस आ रहे हैं मार्केट में जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो सकती है, ठीक है। मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, काफी सारे ऐसे सप्लाइंसेस आते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है और वापस से उसमें क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। हाँ जी बट HYV सीड्स में कितने सारे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें हेल्थी फूड खाना है या केमिकल वाला फूड खाना है। उन्होंने बोला कि हेल्थी फूड खाना है या केमिकल वाला। पहले आप दोनों देख लो हम बॉयज। हाँ तो पॉपुलेशन के हिसाब से चलेंगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। इतना जल्दी हम उसे ग्रो नहीं कर सकते, और हेल्थ सिर्फ हम फूड से नहीं देख सकते। मैंने अभी भी बोला HYV सीड्स हम खा ही रहे हैं, इतना खराब नहीं है HYV सीड्स के ग्रो करे गए क्रॉप्स, ठीक है। हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जिससे हम हेल्दी रहेंगे। आज माइक मेरे हाथ में है तो डिबेट प्रॉपर नहीं हो रही। लड़ नहीं रहे हैं? ढंग से बताओ जल्दी से। लड़ लड़के माइक नहीं दूंगी। हाँ जी बताइए गर्ल्स क्या बोलते हैं आप? आप बोलना चाहते हैं? उन्होंने बोला HYV सीड इज नॉट सो बैड और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग HYV सीड सही है। अच्छा क्वांटिटी साथ एक्सरसाइज बोलिए बोलिए गर्ल्स। सिर्फ एक्सरसाइज? वंशिका वेट वेट वंशिका कुछ कहना चाहती है? हाँ जी बट इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ऑर्गेनिक फूड इज ऑर्गेनिक गुड फॉर हेल्थ। अगेन द सेम पॉइंट। आपके पास और पॉइंट्स नहीं है हेल्थ के अलावा? मैम कोरोना में मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए ही मरे थे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था। अगर वो ऑर्गेनिक खाते तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता तो इतनी पॉपुलेशन जो मरी है वो ना मरते लोग। पॉपुलेशन हाँ इतने सारे लोग जो मरे थे।
ओके, अनहेल्दी इम्यून सिस्टम की वजह से लोगों को कोरोना में इश्यूज हुए थे। आप नहीं, कोई और जवाब देगा। ओके, हाँ जी देवांश बताएंगे इस बारे में। दूसरा टॉपिक है हमारा। नहीं, पहले उसका आंसर देंगे, वरना मैं मन मार दूंगी गर्ल को। हाँ ठीक है, दीजिए आंसर। इन्होंने बोला कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे भी HYV सीड्स की वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बफर क्रॉप वगैरह या जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट, ये हो पाया। मैंने पहले ही बोला था ये पॉइंट, ठीक है। और इम्यून सिस्टम की मैं बात करूं, कोरोना के टाइम पे लोगों ने योगा करके काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज करके अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम HYV सीड्स जो खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ था। इम्यून सिस्टम आपकी एक्सरसाइजेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्सरसाइजेस रखते हो, कैसी नहीं रखते। एग्जैक्टली, हम तो काफी फिट थे, बाकी आप अपना देखो। गर्ल्स पॉइंट्स नहीं है, मार्क्स देखो बॉयज को। एक जल्दी बताइए, आपने नहीं बोला, तो बॉयज को मिल गया 1 पॉइंट। जल्दी लाइए गर्ल्स पॉइंट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो सीड्स होते हैं वो चीपर होते हैं HYV सीड से, जो कि पुअर फार्मर अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर में। लेकिन प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बंदों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, श्रमिकों की जो काम करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने कहा भी कि जो HYV सीड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सीड्स के मुकाबले बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक सीड्स की जब हम क्रॉप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो खेती करते हैं उसकी, तो उसमें श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां पर बंदों की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो जा चाहिए, जिससे जो कॉस्ट है वो ज्यादा आती है किसानों के लिए HYV से। ऑर्गेनिक सीड्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक छोटे से लैंड के बात करें, जैसे गांव में क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ फार्मर्स होते हैं, उनके कुछ 3-4 बच्चे होते हैं और एक छोटी जमीन होती है। अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो जमीन बढ़ती चल जाती है सब में, और काफी कम एरिया रह जाता है हर एक फार्मर के पास। और अगर वो उस छोटे से लैंड के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन करता है ऑर्गेनिक तरीके से, तो काफी कम पैसा मिलता है उन्हें, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उनका फाइनेंशियल हेल्थ नहीं सही अच्छा रहेगा। और दूसरा, काफी केसेस भी देखे गए हैं कि फार्मर खुदकुशी कर देते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। और दूसरा, अगर कम लैंड होगा, हम जितना लैंड है हम उतने में ही जितना उगा सकते हैं, मतलब जितना लैंड में हम बोएंगे उतना ही मिलेगा। बट अगर हम अपने ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ज्यादा ज्यादा पेड़ काट के लैंड बड़ा करना पड़ेगा, जिससे डिफॉरेस्टेशन होगी, और वैसे ही रिसोर्सेज की कमी हो रही है क्योंकि आजकल लोग ज्यादा ज्यादा यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात देखा जाए कि ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छे होते हैं, नहीं होते। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किए जाए तो काफी ज्यादा बुरा भी है। एक राइनिया करके एक मैन्योर है, मैंने देखा था, वो एक प्लांट के थ्रू आता है, और वो ऑर्गेनिक हम मैन्योर जब यूज करते हैं तो काफी एनिमल्स मरते हैं उसकी वजह से। हर जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। देखो, आपने बोला एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं वापस बोलूंगा, आई एम फ्रॉम अ फार्मर टाइप फैमिली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। HYV सीड्स से हम थोड़ी सी क्रॉप ग्रो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट उसमें भी मिलता है। देखो, हर कोई फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता हर टाइप की मशीन, लेकिन सीड्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। HYV सीड्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें हाईटेक मशीन ही चाहिए होगी। अब अगर हम सीड्स को सो कर रहे हैं, तो ग्रो करने का प्रोसेस तो सबका सेम होता है, कल्टीवेट करो, हार्वेस्ट करो, सबका प्रोसेस सेम होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो भी कल्टीवेशन तक का प्रोसेस है वो सिर्फ मशीन्स पे डिपेंड हो। HYV सीड्स अगर हम यूज करते हैं, तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का इससे कोई केस नहीं, ठीक है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि लिमिटेड फार्मर्स ऐसे हैं जो HYV सीड्स को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही डिपेंड है, उनको एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनिक में ही मिल रही है। आपको गलत पता है, आजकल सबसे ज्यादा फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक को छोड़कर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, HYV सीड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नहीं है, सुनो, HYV सीड्स भी आजकल अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, ठीक है, और रिच फार्मर या तो कुछ ज्यादा ही रिच है, ठीक
ठीक है, या तो पुअर है, पुअर के पास अपनी लैंड नहीं है खुद की, तो वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? सुनो, अगर आप कोई सर चलो एक सर्वे करके आना आप खुद ही, ठीक है, आप ज्यादातर देखोगे जिनके पास लैंड है आजकल, या तो वो क्रॉप कल्टीवेशन को छोड़ के एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सारी एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा स्कोप है इन कंपैरिजन टू क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज्यादातर मोस्टली मिडिल क्लास और रिच फार्मर्स ही हैं, उनके पास खुद की लैंड है। इसका जवाब दो, मतलब क्या बोला तुमने, पुअर कर ही नहीं रहे? मैंने क्या बोला, आप एक बार सर्वे करके देखो, जो मोस्ट ऑफ द पुअर फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत थोड़ी लैंड है, वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये बहुत सारी चीजों में इंगेज्ड हो चुके हैं, उन्होंने कल्टीवेशन वगैरह को छोड़ दिया है। और सुनो, वो जो पुअर फार्मर्स होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अमीर फार्मर से खुद ही खेती बाड़ी करेंगे, वो भी तो किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे ना, तो वही पुअर फार्मर तो जा रहे हैं उनके पास काम करने। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमारी इनकम जनरेट होती है एक्सपोर्ट करने में, तो हमारे लिए इनकम को इंक्रीज करेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। अभिजीत आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं कोई नहीं, बात में बोलूंगा, बात थोड़ी देर में बोलूंगा, मैं ये डाल दूंगी, भूल नहीं है, कट कट से उन्हें क्या कहते हैं, लड्डू थोड़ी ना, कहां तक बोलेगा अपना एक्सपोर्ट तो जब करेंगे जब पहले अपने देश की पूर्ति पूरी करें, हमारा पूरा देश ही नहीं खा पा रहा, इतने सारे लोग हैं एचवाईवी सीड्स का यूज करके, इन उससे बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो खा सकते हैं। करेक्ट बोला भाई, ऑर्गेनिक की बात है, एचवाईवी सीड्स ने बोल पॉइंट जवाब। हां जी गर्ल्स आप खड़े हो, मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा एनवायरनमेंट भी तो अच्छा रहता है। मैम इसने एक्सपोर्ट की बात करी, अभी कोरोना टाइम पे एचवाईवी सीड था जो बफर स्टोर में पड़ा था, हमने दुनिया की मदद करी थी हमने, है उस समय पूरी दुनिया को हम खिला रहे बैठ के, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपोर्ट करेंगे, बताना घर में खाने को नहीं है, बाहर के लोगों को खिलाएंगे। अरे एचवाईवी सीड्स की वजह से जब हमारे पास ज्यादा ज्यादा अमाउंट होगा प्रोडक्शन वीट्स का और खाने पीने का, तभी तो हम अपनी देश की पूर्ति करेंगे और बचे हुए को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी जीडीपी बढ़े। एचवाईवी सीड्स की सेल ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट हाई एचवाईवी सीड्स की वजह से होती है। जो प्रोजेक्ट एचवाईवी सीड से बनता है वो बहुत जल्दी खराब होता है, आपको उसको मतलब संभाल कर रखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पैकेजिंग, ये पॉइंट लिखा है मैंने अभी अभी पढ़ा है, पैकेजिंग की नीड होती है, पर आप ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक चीज होगी उसको आप बनाओगे उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। आप जो डिबेट इज ओवर नाउ, ऑर्गेनिक फूड का लाइफ शेल्फ ज्यादा होता है, देखो क्या बोल रही है, ध्यान से करो। उसे हाथ में लेकर चल जाए। As usual, boys winner.